राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। गलत साइड से आ रही ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, एक महिला की मौत, चार हुए जख्मी। बेतिया अरेराज रोड में जगदीशपुर पेट्रोल पंप के पास हुई दुर्घटना। आफताब रोशन, बिहार प्रभारी की रिपोर्ट। बेरिया अरेराज पथ में जगदीशपुर पेट्रोल पंप के समीप शनिवार शाम को 5 बजे अरेराज जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक, जिसका नंबर BR06GA0182 ने बेतिया की तरफ जा रहे एक ऑटो, जिसका नंबर BR22PA3077 में टक्कर मार दी। ऑटो में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मझोलिया के बथना तिरुआ निवासी 60 वर्षीय महिला जायदा खातून का हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही मौत हो गई, जबकि उनके पति रैफुल मियां 65 वर्षीय की गंभीर रूप से घायल हैं। पहाड़पुर PSC के ANM आशा देवी, 50 वर्षीय जगदीशपुर के जमुनिया दक्षिण टोला निवासी बीगुराम, 55 वर्षीय बसवरिया जगदम्बा नगर वार्ड नंबर 29 निवासी ऑटो चालक मोहम्मद निक्कू 28 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। जगदीशपुर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक एवं ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बेतिया GMCH पहुंचाया गया। GMCH में उपस्थित नगर थाना के दरोगा संजय कुमार, जमदार पारस कुमार व पप्पू दुबे घायलों का इलाज कराने में लगे हुए हैं। मृतक जायदा खातून के पति रैफुल मियां ने बताया कि वो अपने ससुराल नौतन के गहिरी मिशन गए हुए थे। गहिरी से बसवरिया जगदम्बा नगर वार्ड नंबर 29 ऑटो चालक निवासी मोहम्मद निक्कू के ऑटो में बैठकर बेतिया बस स्टैंड वापस आ रहे थे। रास्ते में और भी यात्री ऑटो में सवार हुए। जैसे ही ऑटो जगदीशपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी बेतिया से तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने गलत साइड से आकर ऑटो में टक्कर मार दी। घटना स्थल पर ही सभी यात्री लोग गिर गए, टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से GMCH हॉस्पिटल बेतिया में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा मेरी पत्नी जायदा खातून को मृत घोषित कर दिया गया।